कैंडलस्टिक सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज हम लोग पहुंच चुके हैं। और अगर आपने पिछले दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन दो एपिसोड को देख लें, उसके बाद ही ये एपिसोड आपके कुछ काम आ सकता है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कैंडलस्टिक सीरीज शुरू कर दी है और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो नए नए बिगिनर्स भाई हैं वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तो चलिए चलते हैं अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं कि चार्ट पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब मैं आपको समझाता हूं कि जो हमारे चार्ट पैटर्न हैं वो किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हमें उसमें साइकोलॉजी रखनी पड़ती है। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारी चल रही है कैंडलस्टिक की सीरीज, इसमें आपको बहुत सारी वीडियोज़ और आने वाली हैं जो कि कैंडलस्टिक के पर होंगी। जितना कुछ मैंने कैंडलस्टिक पर सीखा है, वो चाहे तब कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, सब कुछ इस सीरीज में आपको मिलने वाला है। और जितना भी मतलब जो कुछ मैंने कैंडलस्टिक के बारे में सीखा है वो सब कुछ मैं आपको इस सीरीज में शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस सीरीज में बने रहना, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस सीरीज में मिलने वाली है। और दो वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ कैंडलस्टिक पर, जो कि मैंने जो मैंने फर्स्ट अपलोड की है वीडियो, वो मैंने घनश्याम सर से उस कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी थी वो सीखी थी। और जो मैंने जो सेकंड मैंने वीडियो अपलोड की थी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो मैंने अभी कल मैंने अपलोड की है, वो मैंने पुष्कर सर से सीखी है। तो आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके पहले देख सकते हैं। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो आपको उतने क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो आप चाहो तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहला चार्ट पैटर्न आता है वो है डबल बॉटम और डबल टॉप। अब ये जो पैटर्न है, इसको जो हमारा डबल बॉटम है, इसको हम डब्लू पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा ये डबल टॉप पैटर्न है, इसको हम एम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो हमारा डब्लू पैटर्न है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और किस तरह से हमें इसमें बायर और सेलर्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, चलिए जानते हैं। अब देखिए, जो हमारा डब्लू पैटर्न है, इसमें आपको मीन क्या होता है कि आपको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। चलिए देखते हैं किस तरह से। देखिए, इसमें किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो हमारे सेलर्स इस जगह से हावी हो रखे थे। यहाँ से सेलर्स कहाँ लेके गए, इसको इस जगह पर लेके आए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आप समझ लीजिए, यहाँ पर लिया इसने सपोर्ट। देखिए, इस जगह पर लिया इसने सपोर्ट। फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स लेके गए इसको इतना ऊपर, यहाँ तक लेके आए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिया इसने रजिस्टेंस, जिसको हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं। जब ये जैसे कि हमारा कोई चार्ट पैटर्न पे अगर दिख रहा है तो उसको हम नेकलाइन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से इस नेकलाइन को छूने के बाद ये आया नीचे, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए। इसके बाद ये लेके आया इसको, सेलर्स को नीचे लेके आए और कहाँ तक लेके आए, जो इसने अपना पिछला सपोर्ट जहाँ पर मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया उसी सपोर्ट पर मार्केट वापस आ गया। फिर यहाँ उसी सपोर्ट पर क्या हुआ, वापस से बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स लेके गए इसको वापस यहाँ से ऊपर, और कहाँ तक लेके गए, जहाँ पर इसका क्या है, नेकलाइन है। अब देखिए, नेक लाइन पर पहुंचने के बाद ये हमारा पूरा क्या बन गया, डब्लू पैटर्न। अब जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ और जिस तरह से यहाँ पर ये बन रखे हैं, उस तरह से आप चार्ट पर आपको एक्सेक्ट नहीं दिखते हैं बने हुए, वहाँ पर आपको समझना पड़ता है, वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है चार्ट पैटर्न को। और वो आपको तब आपको आइडेंटिफाई उसको आप कर सकते हैं जब आपको उनकी साइकोलॉजी मीन पता चलेगी किस तरह से ये बनते हैं। अब देखिए, जब ये नेकलाइन के पास आएगा, रेजिस्टेंस यहाँ से सपोर्ट लेकर जब वो नेकलाइन के पास आएगा, जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, तब आप इस जगह पर कॉल साइड की एंट्री कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। देखिए, रीटेस्ट क्या होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कुछ, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब आप समझ लीजिए कुछ इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर किसी ने क्या कर रखा था, पुट यहाँ पर क्या कर रखा था, बाय कर रखा था। यहाँ पर किसी ने क्या कर रखा था, पुट बाय या फिर सेल कर रखा था, समझ लीजिए आप, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। फिर क्या होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आता है, जो जिन्होंने पुट खरीद रखा था या फिर सेल कर रखा था उनका क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। फिर यहाँ पर जिन ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की होगी, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट वापस यहाँ से ऊपर गया। फिर मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया, समझ लीजिए, इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, इस जगह पर आया। फिर देखिए, जिन्होंने इस जगह पर पुट बाय किया था उनको वापस यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुका है। अब जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होगी, जिन्होंने यहाँ पर अपनी जो प्रॉफिट था उसको बुक नहीं किया होगा, फिर यहाँ से क्या हुआ मार्केट ऊपर गया और जहाँ पर इसकी नेक लाइन थी वहां तक मार्केट गया। अब क्या होगा, जब इसने मार्केट ने इस नेक लाइन का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर लोग क्या चाहेंगे, जिन्होंने यहाँ पर पुट बाय कर रखा था और उन्होंने अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, कुछ इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की,
यहाँ से मार्केट ने इसका ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिया, फिर वो क्या चाहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे है फिर अपने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जैसे ही नीचे आएगा, क्योंकि जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक मिनट, जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट आएगा फिर ये नेकलाइन हमारे लिए क्या हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी। पहले क्या थी, रेजिस्टेंस थी, अभी क्या हो जाएगा, सपोर्ट। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाने का वो रिटेस्ट करने के लिए वापस अपने सपोर्ट पर आएगा, और जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने पुट सेल कर रखा था, तो वो यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय कर देंगे। फिर यहाँ से क्या होता है, मार्केट वापस से अप चला जाता है, क्योंकि जिन्होंने पुट सेल कर रखा होगा वो क्या कर देते हैं, अपने पुट को बाय करते हैं। फिर जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि जिन्होंने खरीद रखा होता है वो यहाँ पर बेच देते हैं। फिर मार्केट जब रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो ये उसका सपोर्ट जोन है, क्योंकि जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा फिर ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। फिर मार्केट वापस अपने सपोर्ट पे आएगा, और फिर सपोर्ट लेके मार्केट क्या जाएगा, अप जाएगा। उसके बाद आप जब रिटेस्ट हो जाए तब आप कॉल साइड में एंट्री कर सकते हो, तब आपको यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन मिल जाती है, फिर यहाँ पर आपका लॉस होने का चांसेस कम हो जाते हैं। आई होप आपको डबल बॉटम पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसको क्लियर समझा दिया है किस तरह से इसमें बायर्स और सेलर्स की साइज क्लोजी रहती है, वो आपको समझना पड़ेगा। जब आप इसको समझ लोगे तभी आप जो है लाइव मार्केट में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं जो हमारा डबल टॉप पैटर्न है, जो हमारा डबल टॉप चार्ट पैटर्न है, सो ये किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हमें क्या बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गया अप ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। फिर इस जगह पर देखिए जहाँ पर ये मैंने वन लिखा हुआ है, इस जगह पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया कुछ, इस जगह पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ इस रेजिस्टेंस जब मार्केट ने लिया तो वहां से क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए। फिर सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स को लेके आए कुछ इस जगह तक। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपना सपोर्ट लिया, जिसको हम नेक लाइन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट लिया। देन सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स इसको ऊपर लेके गए, बायर्स इसको ऊपर लेके गए। फिर जब सेम जब उसने जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसके लिए वहां पर मार्केट दोबारा गया, और वहां पर जाने के बाद मार्केट वहां पर क्या हो गया, फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, वहां से मार्केट को क्या कर लेके गई, नीचे लेके आने लगे। यहां से देखिए नीचे लेके आने लगे, और रेजिस्टेंस इसने कहां पर ले, जहां पर उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी जगह पर इसने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद जब ये इसको नीचे लेके आया, और जो उसकी नेक लाइन थी, ये देखिए जो उसकी ये वाली नेक लाइन थी, जैसे इसको ये ब्रेक करता है तो आप एक पुट साइड में एंट्री बना सकते हो। देखिए इतना तो आपने समझ लिया कि जब इसका ब्रेकआउट आएगा नेकलाइन का, तब वहां पर आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हो। पर यहाँ पर मैंने आपको पहले क्या बताया, अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हो, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए जो बिगिनर होते हैं वो क्या होते हैं, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं, फिर उनको क्या चला जाता है, स्टॉप लॉस चला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ब्रेकआउट हुआ थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद यहाँ पर आपको रिटेस्ट का वेट करना है। मैंने आपको बता दिया रिटेस्ट का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस पैटर्न पर ऐसा समझ लीजिए कि इस जगह पर यहाँ से मार्केट ऊपर उठने लगा था, इस जगह पर किसी ने क्या कर दिया, बाय कर दिया, इस जगह पर किसी ने क्या किया, बाय कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ ऊपर तक मार्केट गया, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, अब देखिए फिर यहाँ से नीचे आया, अब देखिए इसका ब्रेकआउट दिया। फिर जो जिन्होंने यहाँ पर बाय कर रखा होगा, जिन्होंने कुछ इस जगह पर बाय कर रखा होगा, अब जब इसका ब्रेकआउट आया, इनके लॉस में मार्केट, इनके लॉस जहां इसका स्टॉप लॉस था वहां की डायरेक्शन में मार्केट चलने लगा। अब देखिए ये क्या सोचेंगे कि मार्केट जब इन्होंने यहाँ और यहाँ कहीं या फिर यहाँ पर कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होगी, तो ये क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा हल्का ऊपर जाए और हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और रिटेस्ट करने चला जाएगा जहां पर उसका नेकलाइन थी, क्योंकि जब नेकलाइन ब्रेक डाउन हो गई तो इसका नेकलाइन क्या हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, वापस अपने रेजिस्टेंस पर गया। अब जब ये रेजिस्टेंस पर गया, नेकलाइन पर गया, फिर यहाँ पर जिन्होंने बाय कर रखा था वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ पर फटाफट से जो जिन्होंने बाय कर रखा था उनको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, मतलब कि एग्जिट मार देंगे अपनी पोजीशन इस जगह पर। फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू हो जाता है डाउन ट्रेंड में। कुछ इस तरह से आपको रिटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद आपको एंट्री बनानी है, तब आपके जो पुट साइड का ट्रेड रहेगा उसके ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस रहेंगे। आई होप आपको डबल टॉप चार्ट पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो क्लियर मैंने बता दिया है किस तरह से आपको यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, क्यों मार्केट रिटेस्ट करने आता है। देखिए जब आप पुट साइड का या फिर कॉल साइड का ट्रेड लोगे ब्रेकआउट पर, तो आप सबसे पहले वहां पर चेक जरूर करना जब मार्केट रिटेस्ट करने आए, उसके बाद आप ट्रेड लेना। कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट रेंज बाउंड करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है, वो भी हमारा एक चार्ट पैटर्न ही होता है, वो भी अभी आगे जाके हम समझेंगे। देखिए अगर आपको फेक ब्रेकआउट समझना है और आपको समझना नहीं आता है
कि यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फेक ब्रेकआउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने उस पर फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ला दूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं फिर से स्टार्ट, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट पैटर्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पर सेकंड चार्ट पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। मतलब कि जो हमारा हेड एंड शोल्डर है, इसका नाम हेड एंड शोल्डर क्यों रखा है, देखिए इसका फॉर्मेशन ही कुछ इस तरह से होता है कि एकदम हेड, देखिए जो हमारा यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर होता है कुछ इस तरह से बनता है, फिर हमारा एक हेड बनता है, फिर यहाँ पर क्या होता है एक सेकेंड शोल्डर बनता है। मतलब कि पूरा जैसे हमारा, देखिए ये इधर वाला शोल्डर है राइट शोल्डर, और ये हमारा जो लेफ्ट शोल्डर है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि हमारे बीच में हेड है और राइट और लेफ्ट में हमारा क्या है शोल्डर है। अब इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप समझ लीजिए मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ से मार्केट अप गया, यहाँ से मार्केट क्या गया अप गया, फिर इस जगह पर मार्केट ने क्या लिया अपना, क्या लिया रेजिस्टेंस लिया कुछ इस जगह पर, और यहाँ से क्या हुआ सेलर सेक्टिव हुए, सेलर सेक्टिव हुए तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया इसको फिर नीचे लेके आया, और यहाँ पर कुछ सपोर्ट लिया इस जगह पर, इस जगह पर अपना सपोर्ट लिया, मतलब कि नेकलाइन भी आप इसको कह सकते हो। फिर क्या होगा, जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा फिर यहाँ पर क्या हुए बायर्स एक्टिव हुए, एक्टिव हुए तो यहाँ से मार्केट क्या क्या गया इतना ऊपर गया, फिर जो हमारी प्रीवियस यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था उसको ब्रेक करके कहाँ चला गया कुछ इस जगह पर चला गया, इस जगह पर, और यहाँ पर क्या कर दिया एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमारे क्या ले लिया यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ से नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पर क्या है क्या एक्टिव हो गए सेलर्स, यहाँ पर एक्टिव हो गए, और जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा उनका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, और कुछ इस जगह पर मार्केट आया, और जहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पर किसी ने क्या क्या किया होगा जो अपना प्रॉफिट था वो बुकिंग की होगी, और फिर यहाँ से मार्केट क्या गया अप गया। अब देखिए, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो हमारा मतलब आप शोल्डर भी कह सकते हैं, जो हमारा इधर वाला शोल्डर था उसका जो जहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट अप गया था कुछ इस जगह से मार्केट अप गया था, और यहाँ पर मार्केट ने क्या लिया था रेजिस्टेंस दिया था। अब सेम जो ये हमारा ये वाला शोल्डर है कुछ इस उसी जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी जगह पर इसने क्या लिया रेजिस्टेंस लिया। अब देखिए जरूरी नहीं है कि वो उसी जगह पर रेजिस्टेंस ले, वो आप यहाँ कहीं भी रेजिस्टेंस ले सकता था, लेकिन देखिए जो हमारा हेड है जिसको हम हेड ही बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर जो हमारा ये वाला शोल्डर होगा ये क्लोज नहीं होना चाहिए, इसके यहाँ कहीं अगर यहाँ से अगर नीचे जा रहा है तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा जो हेड है इसके ऊपर चला जाएगा, ये होना चाहिए हेड के नीचे, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ट्रेड किस तरह से करना पड़ता है, अब जो ये हमारा हेड एंड शोल्डर है ये आपको सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है नीचे जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस मार्केट क्या चल रहा था अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, फिर वहां से मार्केट का क्या चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब देखिए आपको इस पर ट्रेड किस तरह से लेना है फ्रेंड्स, समझ लीजिए ये जो इस जगह पर मार्केट ने जो अपना नेक लाइन था जो हमारा दूसरा शोल्डर होगा उसको बनाने के बाद मार्केट वापस नेक लाइन पे आया, फिर इसका नेक लाइन का क्या कर दिया ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन दे दिया तो कुछ लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे, स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे जो उसकी नेक लाइन है। अब देखिए अब मार्केट क्या करेगा रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, और उनका जो असल था वो हिट कर देगा, और वहां पर वो अपनी पोजीशन में एग्जिट मारेंगे, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या कर जाएगा नीचे गिर जाएगा। अब देखिए इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ट्रेड तब करना है जब आप रिटेस्ट के वेट कीजिए उसके बाद ट्रेड कीजिए, अगर रिटेस्ट नहीं करता है कोई बात नहीं आपको ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड छूटेगा, लेकिन अगर उसमें आप बिना रिटेस्ट के ट्रेड करते हो तो आपका काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर आपको लॉस से बचना है तो रिटेस्ट का वेट करो उसके बाद एंट्री मारो, ठीक है, तब आपको जो चांसेस होते हैं काफी अच्छे होते हैं प्रॉफिट करने के। आई होप आपको जो मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझाया शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, अब किस तरह से हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए, और क्या इसमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी रहते हैं, आइए समझते हैं। आई होप आपने जो मैंने हेड एंड शोल्डर आपको क्लियर ढंग से समझाया वो आपने समझ लिया होगा, और अब मैं आपको समझाता हूँ जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। देखिए ये एकदम सेम है जैसे हमारा हेड एंड शोल्डर है वो, बस देखिए जो हमारा हेड एंड शोल्डर है उसको उल्टा कर रखा है, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। जो हमारा हेड एंड शोल्डर है वो हमें सिग्नल देता है सेल साइड का, लेकिन जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है वो हमें सिग्नल देता है अप साइड का। और फ्रेंड्स मुझे मतलब शॉपिंग करने का मुझे ज्यादा शौक है, देखिए मैं अमेजोन वगैरह या फिर मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ कभी कभी, जो मुझे पसंद आता है मैं ढूंढता रहता हूँ, जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है मतलब चीपेस्ट मतलब कम बजट में मुझे जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है वो मैं मंगा लेता हूँ,
मैं चीजें वो मंगाता हूँ जिसकी प्राइस तो कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, मतलब प्राइस का वैल्यू ज्यादा वाला प्रोडक्ट मैं ज्यादा मंगाता हूँ, लेकिन मंगाता वो हूँ जो मुझे ट्रेनिंग में काम है या फिर मतलब काफी अच्छे मतलब उसमें मुझे फायदे हो, वो मैं अपने लिए चीजें मंगाता हूँ। और जो जो मैंने चीजें मंगा रखी है या फिर जो मैं मंगाने वाला हूँ उसकी सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं और काफी कम बजट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और बजट कम है लेकिन उसकी वैल्यू काफी अच्छी है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप मंगाना चाहते हैं तो भी आप वहां से मंगा सकते हैं, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, मेरी लिंक से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं फिर अपने वापस टॉपिक पर। अब देखिए जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। फ्रेंड्स समझ लीजिए कि मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड में, मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड में, फिर क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा था नीचे गिरा 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 मार्केट, फिर इस जगह पर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। और फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर जब आपको पता ही होगा जब मार्केट सपोर्ट लेता है तो वहां पर क्या हो जाते हैं, जो बायर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और फिर इसको कुछ यहाँ तक लेके गए, और यहाँ पर फिर मार्केट ने क्या क्या लिया, रजिस्टेंस लिया। कुछ इस जगह पर मार्केट ने लिया रजिस्टेंस। फिर रजिस्टेंस लेने के बाद आपको पता होगा जब मार्केट रजिस्टेंस लेता है तो फिर वहां पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, फिर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए, फिर सेलर्स यहाँ तक लेके गए और जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था उसको ब्रेक करते हुए कुछ यहाँ तक लेके गए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने लिया सपोर्ट कुछ इस जगह पर, यहाँ पर हुए बायर्स एक्टिव, फिर यहाँ से बायर्स को लेके गए ऊपर, देखिए यहाँ तक लेके गए। बस जब बायर्स को ऊपर लेके गए फिर वहां कहाँ पर इसने अपना रेजिस्टेंस लिया, जहां पर उसने क्या लिया था, प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था, उसी जगह पर इसने क्या कर दिया, वापस रेजिस्टेंस लिया, और यहां से क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए और फिर नीचे आ गया। अब जो उसका कुछ ये वाला सपोर्ट था, जो उसका ये वाला सपोर्ट था उसी जगह पर उसने क्या कर दिया, अपना दूसरा सपोर्ट लिया, और यहां से क्या हुआ, सेलर बायर्स एक्टिव हुए फिर यहां तक लेके गए। अब जो उसकी नेक लाइन है जहां पर इसने ऑलरेडी 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया है, देखिए 1 बार और 2 बार और 3री बार अब ले लिया है, वो हमारी क्यों है, नेक लाइन है। अब जो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हम एक कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है आपको जैसी ब्रेक होगा वैसी तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। जब मार्केट ब्रेकआउट दे फिर रिटेस्ट करे उसके बाद आपको एंट्री करनी है, उससे क्या होगा जो आपके स्टॉप लॉस है वो जाने के चांसेस कम रहेंगे। देखिए अगर आप एकदम अगर घुस जाओगे, ब्रेकआउट हुआ घुस जाओगे, फिर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, नेक लाइन पर, क्योंकि ब्रेकआउट है तो स्टॉप लॉस आप नेक लाइन का रखोगे। नेक लाइन अगर ब्रेकआउट होती है तो उसके बाद वो नेक लाइन क्या है उसके लिए बन जाएगी सपोर्ट, सपोर्ट बन जाएगी। फिर मार्केट जब रिटेस्ट करने के लिए आएगा अपने सपोर्ट पर, वहां पर आपका एसएल रहेगा, एसएल हिट हो जाएगा, वहां पर अपनी पोजीशन आप एग्जिट करोगे और वहां से मार्केट चला जाएगा ऊपर। फिर आप चलते में फिर से एंट्री करोगे, फिर वहां से मार्केट नीचे गिर जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। देखिए आपको रिटेस्ट का वेट करना है उसके बाद एंट्री करनी है, इसमें आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि जो आपने ट्रेड लिया है उसके सक्सेस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, और आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यही साइकोलॉजी थी हमारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जो हमारा थर्ड चार्ट पैटर्न है उस पर, और वो आपको मैं क्लियर से समझाता हूँ किस तरह से उसमें आपको ट्रेड करना है और क्या उसके पीछे साइकोलॉजी रहती है और किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है लाइव मार्केट में। तो चलिए चलते हैं हम अगले चार्ट पैटर्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है, एक है हमारा ब्लिस फ्लैग और एक है हमारा बेरिस फ्लैग। अब देखिए जो हमारा बुलिश फ्लैग है वो किस तरह से बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो फिर हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न बने, उसके बाद वापस मार्केट क्या कर सकता है, अपना ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है। और जो हमारा बेरिस फ्लैग है वो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है फिर बेरिस फ्लैग बने, उसके बाद मार्केट क्या क्या कर सकता है, जो अपना डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रख सकता है। अब जो हमारा बुलिश फ्लैग है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उसमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी किस तरह से होती है, किस तरह से आपको उसमें ट्रेड करना है, आइए समझते हैं। अब देखिए जो हमारा बुलिश फ्लैग है इसका नाम बुलिश फ्लैग क्यों रखा गया, जो फ्लैग आपने देखा होगा जो झंडा होता है, जैसे कि आपने इंडिया का झंडा देखा होगा, किसी भी कंट्री का झंडा देखा होगा वो कुछ देखिए इस तरह से बना होगा। अगर आप इस अपर लाइन को नहीं देखो, अगर इस अपर लाइन को नहीं देखो और इसको और इसको देखो से, तो ये आपको झंडे की तरह लगेगा, तो इसलिए आज का नाम जो है बुलिश फ्लैग या फिर बेरिस फ्लैग रखा गया है। अब समझते हैं कि बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। आप समझ लीजिए यहाँ से मार्केट अप जा रहा था, कुछ इस जगह से मार्केट अप जा रहा था, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट रुका, यहाँ पर मार्केट ने क्या क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से मार्केट गिरा फिर ऊपर बढ़ा फिर गिरा
फिर ऊपर बढ़ा, वहां पर क्या किया रेंज बनाने लग गया। अब वो क्या बना रहा है अपना हायर हाई, सॉरी अब देखिए वो क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया कुछ इस जगह पर, फिर यहाँ पर क्या बनाया उसने अपना हाई बनाया, फिर यहाँ पर क्या बनाया अपना लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर इस जगह पर क्या बनाया अपना लोअर हाई बनाया। देन सेम नीचे साइड भी है, इस जगह पर इसने क्या बनाया अपना लोअर लो बनाया, फिर इस जगह पर इसने क्या बनाया अपना लोअर लो बनाया। तो कुछ इस तरह से जब मार्केट बनाएगा अपने हायर लो, सॉरी लोअर हाई और लोअर लो जब मार्केट बनाएगा, फिर उसके बाद अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है अपसाइड के लिए, इसका ब्रेकआउट देता है अपसाइड के लिए, तो यहाँ पर आप एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ट्रेड आपको कब पंच करना है, जब मार्केट वापस रिटेस्ट करने आए, जिसका रेजिस्टेंस था जहां पर मार्केट ने अपना जो लोअर हाई है उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इसका एक सपोर्ट है जहां पर मार्केट बार बार अपना लोअर हाई बना रहा था, ये क्या इसका सपोर्ट है, और ये इसका क्या है रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट बार बार क्या कर रहा था अपना लोअर हाई बना रहा था। तो कुछ इस तरह से आपको ये समझने हैं। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए ब्रेकआउट मिला, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी है अपसाइड के लिए, आपको यहाँ पर जैसे कि मार्केट यहाँ तक आया फिर यहाँ से मार्केट क्या गया यहाँ तक रिटेस्ट करने गया, उसके बाद आपको एंट्री बनानी है अपसाइड के लिए। यहाँ पर आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जो आपका ट्रेड रहेगा उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और आप ज्यादातर प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में आप बहुत कम रहेंगे। तो ये आपने समझ लिया होगा कि बुलिश फ्लैग होता है वो किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है और किस तरह से आपको उसमें ट्रेड करना पड़ता है। और आप समझते हैं जो हमारा बियरिश फ्लैग है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और उस पर आपको ट्रेड किस तरह से करना है, चलिए समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं जो हमारा बियरिश फ्लैग है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। आप समझ लीजिए कि मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड में, फिर मार्केट ने क्या किया कुछ इस जगह पर लिया अपना सपोर्ट, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, लेके गए इसको कुछ इस जगह पर, इस जगह पर लिया इसने अपना रेजिस्टेंस, इस जगह पर लिया इसने अपने रेजिस्टेंस। फिर क्या हुआ यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और सेलर्स इसको लेके आए कुछ इस जगह तक, फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए, फिर बायर्स इसको लेके गए कुछ इस जगह तक, फिर वापस सेलर्स एक्टिव हुए, फिर लेके आए इसको नीचे, नीचे लेके आने के बाद इसका अगर ब्रेकआउट देगा जो हमारी यहाँ पर ये सपोर्ट लिखते जा रहे हैं मार्केट, देखिए यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन देगा नीचे के लिए तो आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए आप समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, पहले नीचे गिर रहा था, कंटिन्यू नीचे गिर रहा था, उसके बाद मार्केट क्या करता है थोड़ा अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, वहां पर मार्केट अपना हायर लो लगाते जा रहा है, और वहां पर मार्केट अपना क्या कर रहा है हायर हाई लगाते जा रहा है। फिर वो कुछ देखिए फ्लैग टाइप में बन जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बियरिश फ्लैग हो जाएगा, मतलब कि वहां पर आपको ऐसा लगेगा किसी ने झंडे को उल्टा कर रखा है, कुछ इस तरह से उल्टा कर रखा है वो आपको वहां पर लगेगा। तो आपको ये समझना पड़ता है, अब देखिए वहां से मार्केट गिर रहा था, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, देखिए इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न बन देना चाहिए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए जो हमारा बियरिश फ्लैग रहेगा आप समझ लीजिए कुछ इस तरह से बनना चाहिए, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, फिर अप जाए, फिर नीचे आए, फिर अप जाए, फिर नीचे आए, फिर अप जाए, फिर नीचे आए। देखिए इसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए इस जगह पर हायर हाई बनाया, वापस हायर हाई बनाया, वापस हायर हाई बनाया, नीचे साइड में क्या कर रहा है मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पर अपना हायर लो बना रहा है, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया, फिर जैसे ही इस लो पर ब्रेकआउट देगा फिर आपको यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री बनानी है। एंट्री मैंने आपको बता दिया है, एंट्री आपको तब करनी है जब मार्केट रिटेस्ट करे, अगर आप बिना रिटेस्ट के एंट्री करोगे तो आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप रिटेस्ट करने के बाद एंट्री करोगे वहां पर आपका जो ट्रेड रहेगा उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमारा जो बियरिश फ्लैग है और किस तरह से हमारा जो बुलिश फ्लैग है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और किस तरह से ये काम करते हैं। मैंने आपको बता दिया है जो हमारा बुलिश फ्लैग है वो जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है फिर बुलिश फ्लैग पैटर्न बने, फिर वहां से मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखने का सिग्नल देता है, जैसे उसका ब्रेकआउट देगा रिटेस्ट के बाद आप वहां पर एक कॉल साइड की एंट्री बना सकते हो। बियरिश फ्लैग में क्या होता है मार्केट डाउन में चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ऊपर गया फिर नीचे आया, वहां पर मार्केट क्या करने लग गया अपना रेंज बनाने लग गया, फिर जैसे मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट नीचे साइड के लिए देगा फिर वहां पर आपको अपनी पुट साइड की एंट्री बनानी है रीटेस्ट के बाद।
एंट्री बनानी है लेकिन रीटेस्ट के बाद, फिर वहां पर आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वरना अगर आप रीटेस्ट रीटेस्ट का वेट नहीं करोगे तो आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। आई होप आपको बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर और समझाता हूँ आपको जो हमारे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है उसमें उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और किस तरह से आपको उसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की ओर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो है बियरिश रेक्टेंगल और बुलिश रेक्टेंगल। फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले, ये जो हमारी कैंडलस्टिक की सीरीज चल रही है, इस सीरीज को जब तक ये सीरीज पूरी नहीं होती है तब तक इसमें लगातार जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, किस तरह से हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कितने हमारे जितने भी हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है उस सब पर आपको फुल एक्सप्लेन वीडियो इस सीरीज में मिलने वाली है। और जो हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पर फुल एक्सप्लेन वीडियो आने वाली है। और ये जो अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी हमारे चार्ट पैटर्न के ऊपर है, इसको भी आप पूरे ध्यान से देखिए, ये हमारी कैंडलस्टिक सीरीज में ही है। तो आप मेरी कैंडलस्टिक सीरीज में बने रहना, इसमें काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आने वाली है। और इस सीरीज के खत्म होने के बाद हम काफी और सीरीज बनाएंगे, जो हमारी प्राइस एक्शन पर एक सीरीज बनाएंगे, उसके बाद हम ऑप्शन चेन पर भी आएंगे, उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट पर आएंगे। इस सारी चीजों को जो है इस सीरीज के बाद मैं आपको क्लियर समझा दूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा क्या क्या मैंने सीखा है। और जो जो मैं सीखता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप इस सीरीज में बने रहना और जो अभी ये वीडियो है इसमें भी आप लास्ट तक बने रहना। और जब मैं आपको 100% कहता हूँ कि जब आप इस वीडियो से लास्ट में निकलोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बियरिश रेक्टेंगल है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, चलिए समझते हैं। जो हमारा बियरिश रेक्टेंगल है, आप समझ लीजिए मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड में, मार्केट चल रहा था डाउन ट्रेंड में, फिर क्या होता है कि मार्केट कुछ इस तरह से अपनी रेंज बनाने लगता है, कुछ एक ही जगह पे मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया नीचे गया, मतलब यहाँ पर मार्केट 2-3 बार रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, या इस जगह पर इसका सपोर्ट और इस जगह पर इसका रेजिस्टेंस, मार्केट बार बार जा रहा है सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही मार्केट वापस अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है तो आप यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है ये हमारे ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का काम करता है। मतलब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस फ्लैग इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और इसका डाउन ट्रेंड के लिए मतलब ब्रेकआउट मिलता है डाउन साइड के लिए, यहाँ पर क्या हो सकता है जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर आप एक पुट साइड की ट्रेड बना सकते हो। एंट्री कब करनी है मैंने आपको बता दिया है, जब मार्केट रिटेस्ट करे उसके बाद आपको एंट्री करनी है, ताकि जो आपका ट्रेड है उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। इस तरह से जो है आपको बियरिश रेक्टेंगल में एंट्री करनी पड़ती है। आई होप आपको बियरिश रेक्टेंगल समझ में आ गया होगा। देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और फिर क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा रहता है, फिर मार्केट क्या लेता है सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेता है। तो तीसरी बार मार्केट सपोर्ट पे आता है या फिर चौथी बार या पांचवी बार इतना भी मार्केट रेंज बना सकता है। जैसे मार्केट अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा नीचे के लिए, तब आपको एक पुट साइड की एंट्री बनानी है रीटेस्ट के बाद। रीटेस्ट आपको होने देना है, उसके बाद आपको एंट्री बनानी है। रीटेस्ट क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप देख सकते हैं। जो हमारा बियरिश रेक्टेंगल है ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको इस पर ट्रेड करना है और किस तरह से ये बनता है और क्या इसके पीछे साइकोलॉजी रहती है। अब इसको आपको चार्ट पर कैसे पहचानना है, देखिए सिंपल है, कुछ इस तरह से तो मार्केट में बनेगा नहीं। जो पैटर्न होते हैं सेम जिस तरह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं वो ले रखी हैं, इस तरह से पैटर्न नहीं बनते। वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये हमारा बियरिश रेक्टेंगल है, ये हमारा फ्लैग पैटर्न है, ये हमारा हेड एंड शोल्डर है, ये हमारा एम पैटर्न है या फिर डब्लू पैटर्न है, ये आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब किस तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको बियरिश रेक्टेंगल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ जो हमारा बियरिश रेक्टेंगल है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इसमें आपको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, चलिए समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं हमारा जो बियरिश रेक्टेंगल है ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए फ्रेंड्स समझ लीजिए, यहाँ से मार्केट चल रहा था अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, कुछ यहाँ तक गया मार्केट अप ट्रेंड में, फिर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया अपना एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस आपको पता है जब मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो वहां से क्या हो जाते हैं सेलर्स एक्टिव होते हैं, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए फिर नीचे आया, फिर बायर्स एक्टिव हुए फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, मतलब कि यहाँ पर टोटल हो क्या रहा है, यहाँ पहले मार्केट चल रहा था अप ट्रेंड में, फिर वहां पर क्या हो मार्केट लेता है रेजिस्टेंस, फिर नीचे आता है फिर लेता सपोर्ट, फिर ऊपर जाता है वहीं रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर वहां से नीचे गिर जाता है, फिर सपोर्ट पे आता है वहां से ऊपर चले जाता है। जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा अपसाइड के लिए तो वहां पर आप एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो रीटेस्ट के बाद। मैंने आपको पहले ही समझा दिया रीटेस्ट के बाद ही आपको एंट्री करनी है। देखिए
मैं तो आपको बता दूं, मेरे हिसाब से तो आपको रीटेस्ट के बाद ही एंट्री करनी चाहिए। और जितना मैंने आज तक सीखा है, जितने लोगों से मैंने सीखा, देखिए मैंने घनश्याम सर से सीखा है, सुभाषित सर से सीखा है, सौरभ भैया से सीखा है और दिनेश भैया से सीखा है, सब जो भी बोलता है सब ऐसा ऐसे ही आपने सुना होगा कि रीटेस्ट के बाद ही एंट्री करें। देखिए बिना रीटेस्ट के अगर आप एंट्री करोगे तो वहां पर आपके एसएल जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी मिलता है। तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद क्या करना है, अपना ट्रेड पंच करना है। फिर अगर मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपको फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन अगर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक फुल एक्सप्लेन वीडियो कैसे आप ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं कि वो फेक है या फिर रियल है, उसके लिए आपको एक फुल एक्सप्लेन वीडियो मिल जाएगी। आप बस कमेंट कर देना। देखिए आप मुझे कमेंट कीजिए कि हमें जो है इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ला दूंगा। बस आप ऐसा अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना, फिर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आने वाली है। बस तब तक आप ये जो हमारी कैंडलस्टिक सीरीज चल रही है इसमें बने रहना। अब देखिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको ब्लूज रेक्टेंगल में ट्रेड कैसे लेना है। वापस मैं आपको समझा देता हूँ, जो हमारा ब्लूज रेक्टेंगल है, समझ लीजिए मार्केट चल रहा था अप ट्रेंड में, फिर मैंने आपको बता दिया जो हमारा बियरिश रेक्टेंगल और ब्लूज रेक्टेंगल है, ये हमारे जो ट्रेंड देता है, ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का सिग्नल देता है। मार्केट समझ लीजिए अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर वहां पर क्या करते हैं मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेता है, जो कि हर मतलब ज्यादातर मार्केट रेजिस्टेंस लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद आप एंट्री बना सकते हो कॉल साइड के लिए। अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलेगा, रीटेस्ट करेगा, पुट साइड की पोजिशन आप वहां पर बना सकते हो। आई होप आपको बियरिश रेक्टेंगल बुलिश रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर और आपको समझाता हूँ किस तरह से उन पर ट्रेड करना है और क्या उनके पीछे साइकोलॉजी अपनी रखनी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारे अगले यहाँ पर चार्ट पैटर्न है उनका नाम है सिस्टमैट्रिकल ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब देखिए जो हमारा सिस्टमैट्रिकल ट्रायंगल है इसमें क्या होता है, देखिए सिंपल इसमें होता है, जो हमारा एक ट्रायंगल आपने देखा होगा, जो ट्रायंगल होता है उसी टाइप में ये पैटर्न बनता है। इसमें अगर अपसाइड में ब्रेकआउट मिलता है तो आप अपसाइड में एक ट्रेड पंच कर सकते हो, और अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो आप डाउन साइड में एक ट्रेड पंच कर सकते हो। देखिए इस पैटर्न में सिंपल ही होता है कि जिस तरफ आप ब्रेकआउट मिलेगा आपको, आप उसी तरफ जो है ट्रेड कर सकते हो, लेकिन रीटेस्ट के बाद। अब चलिए समझते हैं इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पर सिस्टमैट्रिकल ट्रायंगल है, आप जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, यहाँ से देखिए मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और इस जगह पर मार्केट ने लिया रेजिस्टेंस, इस जगह पर मार्केट ने लिया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया और कुछ इस जगह पर ले लिया सपोर्ट, फिर यहाँ से मार्केट अप गया, फिर यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, आपको पता होगा जब मार्केट अपना एक रेजिस्टेंस लेता है, मतलब हाई बनाता है, फिर जब उसके नीचे अगर कोई दूसरा हाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाई। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, अपना लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर अपना हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लोअर हाई, फिर हायर लो, फिर लोअर हाई, फिर हायर लो, फिर इस तरह से जब ये और बारीक होता गया तो यहाँ पर हमारे क्या बना, एक क्या बना, सिस्टमैट्रिकल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है कि अगर अप साइड का ब्रेकआउट मिलेगा आप यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, और अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट मिलेगा, तो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट रिटेस्ट के बाद। तो ये आपको समझ आ गया किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें आप बायर्स की साइकोलॉजी और सेलर की साइकोलॉजी अगर आप समझ गए तो आपको स्टॉक मार्केट सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिंपल बायर्स की क्या साइकोलॉजी है, इसमें सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है वो समझना पड़ता है। देखिए यहाँ पर देखिए बायर्स इसको ऊपर लेके गए, अब बायर्स तो ये चाहते नहीं है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरे, तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स यहाँ तक लेके आए, फिर बायर्स ने दम लगाया। देखिए बायर्स क्या सोचेंगे कि हम इतना ऊपर लेके गए और ये सेलर्स को इतने आसानी से नीचे नहीं लाने देंगे, तो ये इतना ऊपर लेके जाने के बाद सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स ने दम लगाया, फिर बायर्स यहाँ से ऊपर लेके गया, कुछ इस जगह से बायर्स ने क्या किया, ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से सेलर्स नीचे लेके आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे ले गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे लेके आए। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा, अगर अप साइड के लिए मिलेगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पर क्या है, हावी कौन है, बायर्स है। यहाँ पर आप रिटेस्ट के बाद क्या कर सकते हो, कॉल साइड की एंट्री बना सकते हो। लेकिन अगर डाउन साइड के लिए हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब क्या हो चुका है, सेलर्स हावी हो चुके हैं और जो हमारा अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, और यहाँ पर आप अपनी एक पुट साइड की पोजिशन बना सकते हो परफेक्ट रिटेस्ट के बाद। अब समझते हैं जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और इस पर आपको ट्रेड
किस तरह से लेना है, चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसको समझने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, मुझे मतलब कि शॉपिंग करने का काफी अच्छा मुझे लगता है शॉपिंग करना। तो जो चीज मुझे काफी चीपेस्ट मिलती है, मतलब कम बजट में जो मुझे अच्छी चीज मिलती है, वो मैं मंगवा लेता हूँ। देखिए, चीज में वो मंगवाता हूँ जिसकी प्राइस तो कम है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो मुझे ट्रेडिंग करने में काम आए, जो मुझे मतलब यूजफुल रहे मेरे लिए, वो मैं मंगाता हूँ। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप भी अगर एक लैपटॉप या फिर कम बजट में काफी अच्छा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, या फिर कम बजट में आप काफी अच्छा मॉनिटर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरी लिंक से मंगाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट उसमें दिखने को मिल जाएगी। चलिए चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। अब देखिए, जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, समझ लीजिए। मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, फिर क्या होता है, मार्केट लेता है रेजिस्टेंस, फिर वहां से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो यहां से क्या हुआ, सेलर्स को लेके आए नीचे, इतना नीचे लेके आए, फिर यहां पर क्या लिया, इसने अपना सपोर्ट लिया, फिर यहां पर हुए बायर्स एक्टिव, बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स लेके इसको वापस उसी रेजिस्टेंस तक जहां पर इसने पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां पर सेलर्स एक्टिव हुए, वापस उसी रेजिस्टेंस से सेलर्स को लेके आए नीचे, यहां पर अपना सपोर्ट ले लिया, किसके किसके ऊपर, जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था उसके ऊपर मार्केट ने क्या ले लिया, अपना सपोर्ट ले लिया, फिर यहां से मार्केट अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया। अब देखिए, यहां पर हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहां पर हमारा बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब आपको ये समझ तो आ गया किस तरह से ये बनता है। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं किस तरह से यहां पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी रहती है और किस तरह से आपको यहां पर ट्रेड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप समझ लीजिए कि बायर्स ने क्या सोचा कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, बायर्स ऊपर लेके गए। अब देखिए, वहां पर सेलर्स थे, अब सेलर्स तो ये चाहेंगे नहीं कि बायर्स अपना ही मार्केट चलाएं, अब सेलर्स वहां पर क्या करेंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे। अब जितना बायर्स ने दम लगाया था, अब बायर्स तो बायर्स क्या सोचेंगे कि देखिए, जिन बायरों ने इतना ऊपर मार्केट को लेके गए और सेलर्स ने हल्का नीचे लेके आए, फिर बायर्स देखो, बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो बायर्स इतनी आसानी से मार्केट को गिरने नहीं देंगे, फिर बायर्स यहां से वापस ऊपर लेके, फिर सेलर्स नीचे लेके आए, फिर बायर्स ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स नीचे लेके आए। जिस तरफ देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पर अगर अप साइड का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको एक कॉल साइड की पोजीशन बनानी है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल हमें क्या बताता है, ट्रेंड कंटिन्यू का सिग्नल देता है, यहाँ से मार्केट वापस से अपने ट्रेंड में जा सकता है और आप यहाँ पर एक कॉल साइड का ट्रेंड प्लान कर सकते हो, वो भी परफेक्ट रिट्रेस्ट के बाद। यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेस्ट करना है, फिर वहां पर आप ट्रेड लेना, तब आपकी जो ट्रेड है वो काफी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपके आई होप समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इस पे आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, इसमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में, मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में और इस जगह पर लिया इसने सपोर्ट, फिर यहां पर क्या हुआ, जो बायर्स थे वो हो गए एक्टिव और यहां से बायर्स लेके गए इसको ऊपर, बायर्स इसको ऊपर लेके गए। अब जो यहां पर सेलर्स थे, पहले से हावी थे, सेलर्स काफी नीचे गिरा चुके थे मार्केट को, फिर बायर्स इसको ऊपर लेके गए। अब जो सेलर्स थे, इतनी आसानी से मार्केट को ऊपर तो नहीं जाने देंगे, सेलर्स ने वहां पर दम लगाया, मार्केट को लेके आए वापस वहीं तक जहां पर मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, फिर यहां से मार्केट ऊपर लेके गया, फिर मार्केट यहां तक गया, फिर सेलर्स को नीचे गिरा के लाए, कहां तक लाए, जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था, फिर ऊपर लेके गए, फिर गिरा के कहां तक लाए, जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था, फिर बायर्स यहां से ऊपर लेके गए, फिर लेके कहां, सेलर्स यहां पर कहां पर लेके आए, उसका प्रीवियस सपोर्ट था। पर जैसे ही उसका प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा, वहां पर आपको एक पुट सेट की एंट्री बनानी है परफेक्ट रिटेस्ट के बाद, फिर आपको यहां पर एक पुट सेट की एंट्री बनानी है और यहां पर आपका जो पुट सेट का ट्रेड रहेगा उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से आपको यहां पर ट्रेड करना है। साइकोलॉजी यहां पर मैंने समझा दिया आपको, सिंपल साइकोलॉजी है। देखिए, जिन सेलरों ने इतना मार्केट को गिराया नीचे और फिर वहां पर बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इतनी आसानी से जिन सेलरों ने गिराया था, उस सेलर से इतनी आसानी से बायर्स को ऊपर लेके जाने मार्केट को नहीं देंगे। वहां से नीचे गिराया, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे गिराया, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे गिराया, फिर ऊपर लेके गए। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलेगा और रिटेस्ट होगा, वैसे आप एक पुट साइड की एंट्री बना सकते हो और वहां पर आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप बिना रिटेस्ट के एंट्री करोगे तो वहां पर आपका रिस्क बढ़ जाएगा, जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसके स्टॉप लॉस हिट होने के आपके चांसेस यहां पर ज्यादा हो जाते हैं। सिस्टमैट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको समझ आ गया होगा, मैंने यहां पर आपको क्लियर से समझा दिया है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है और मैं काफी क्लियर ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ, लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन
क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे आता है। देखिए जितना मैंने सीखा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और जो जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, और जो जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करते हो तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है, और मैं तब आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है उसका नाम है राइजिंग वेव्स और फॉलिंग वेव्स। अब देखिए, जो हमारा राइजिंग वेव्स है ये हमारा है बेरिश पैटर्न, और जो हमारा फॉलिंग वेव्स है ये हमारा है बुलिश पैटर्न। मतलब कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर हमारा राइजिंग वेव्स बनता है तो ये हमारा जो डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखने का सिग्नल देता है, और अगर अप ट्रेंड चल रहा है और हमारा फॉलिंग वेव्स बन जाता है तो यहाँ पर ये जो हमारा अप ट्रेंड था उसको कंटिन्यू रखने का सिग्नल देता है। अब समझते हैं जो हमारा राइजिंग वेव्स है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और किस तरह से आपको इस पर ट्रेड लेना है। देखिए ये जो यहाँ पर पैटर्न आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, राइजिंग वेव्स है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये हम समझ लेते हैं। अब देखिए, समझ लीजिए मार्केट गिर रहा था पहले नीचे, यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रहा था, इस जगह पर मार्केट ने क्या किया, अपना लिया सपोर्ट, सपोर्ट लिया, यहाँ से हुए बायर्स एक्टिव, बायर्स लेके गए इसको यहाँ तक, देखिए यहाँ तक बायर्स लेके गए, यहाँ पर बायर्स ने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वापस सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए यहाँ तक लेके आए। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, जिन सेलरों ने मार्केट को नीचे गिराया और वहां पर बायर्स एक्टिव हुए, वो सेलर बायर्स को उतनी जल्दी मार्केट को ऊपर लेके जाने नहीं देंगे, वो सेलर्स वहां पर जरूर कोशिश करेंगे कि मार्केट यहां से नीचे गिरे। तो यहां से मार्केट नीचे गिरा, वापस यहां पर जो बायर्स थे वो एक्टिव हुए, फिर यहां पर सेलर्स एक्टिव हुए, फिर बायर्स, फिर सेलर्स। तो जैसे ही हमारा जो यहां पर ये सपोर्ट बनता जा रहा है, ट्रेंड लाइन बनती जा रही है, ये देखिए ये हमारे यहां पर जो है ट्रेंड लाइन बनती जा रही है, इसको भी हम एक सपोर्ट की तरह ही मानते हैं। अगर आपको सपोर्ट और ओरिजेंटल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने ओरिजेंटल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन सपोर्ट में दो वीडियो बना रखी है, पार्ट वन और पार्ट टू करके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने सौरभ भैया से सीखा है, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ओरिजेंटल सपोर्ट आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो वीडियो आप मेरी लिंक से देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ और रीटेस्ट करेगा, तब आपको करना है एक पुट साइड की एंट्री तैयार। फिर यहाँ पर देखिए, रीटेस्ट के बाद आपका रिस्क हो जाएगा कम, जैसे कि अगर आप बिना रीटेस्ट के एंट्री करोगे, आपने कुछ इस जगह पर क्या की, एंट्री की, फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ का रहेगा, या तो आप स्टॉप लॉस रुकेगे यहाँ का, या तो यहाँ का, या फिर जो आपका सपोर्ट है वहाँ का आप क्या रखोगे, स्टॉप लॉस रुकोगे। अब देखिए, मार्केट रीटेस्ट करने आएगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा, यहाँ से नीचे चले जाएगा, तो आपको पहले ही क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, उसके बाद आप एंट्री करो, उसके बाद आप काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें बना सकते हो। आई होप आपको राइजिंग वेव्स समझ में आ गया होगा। इसमें मैं आपको बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है वो देखिए समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया लेकिन एक बार और समझा देता हूँ। समझ लीजिए, सेलर्स इसको नीचे लेके आए, काफी नीचे लेके आए, फिर यहाँ पर क्या हुए, बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स इसको ऊपर लेके गए। जितने सेलर्स थे जिन्होंने उसको नीचे लेके आया, वो इतनी जल्दी बायर्स को उसको ऊपर लेके नहीं जाने देंगे, वापस नीचे लेके आए, फिर बायर्स हल्का ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स नीचे लेके आए, फिर बायर्स ऊपर, फिर सेलर्स नीचे। इस तरह से हमारा जब राइजिंग वेव्स बनेगा, ऊपर से भी सेम ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आना है, ऊपर नीचे से भी सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर अप साइड के लिए भी इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तब जैसे ही हमारा डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट मिलेगा, तो आप एक पुट साइड की एंट्री बना सकते हो रिटेस्ट के बाद, यहाँ पर आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन एंट्री आपको कब करनी है, जब रिटेस्ट हो जाए। अब समझते हैं जो हमारा फॉलिंग वेज है, इस पे आपको किस तरह से ट्रेड करना है और क्या इसमें साइकोलॉजी रहती है बायर्स और सेलर्स की, और किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं जो हमारा यहाँ पर फॉलिंग वेज है इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है और किस तरह से हम इस पे ट्रेड करते हैं। देखिए आप समझ लीजिए, मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, और यहाँ पर क्या करता है, मार्केट लेता है रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट लेता है रेजिस्टेंस, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं, सेलर्स लेके आते हैं इसको यहाँ तक, फिर ऊपर लेके जाते हैं बायर्स, फिर सेलर्स नीचे लेके आते हैं, फिर जैसे ही हमारा अप साइड का ब्रेकआउट मिलेगा, तब आपको यहाँ पर एकदम ब्रेकआउट मिलने पर एंट्री नहीं करनी है, रिटेस्ट हो जाए उसके बाद आपको कॉल साइड की एंट्री बनानी है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें आपको बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझा देता हूँ। अब आप इतना समझ लीजिए कि बायर्स लेके गए इसको ऊपर, अब जो बायर्स थे वो उसको ऊपर लेके गए, अब वहां पर सेलर्स एक्टिव हुए, अब सेलर्स को नीचे लेके आए, लेकिन जो बायर्स थे जो उसको उतना ऊपर लेके गए हैं
वो इतनी आसानी से सेलर्स को मार्केट को गिराने नहीं देंगे। उन्होंने भी यहाँ पर बल लगाया ऊपर के लिए, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। जैसे ही हमारा अपसाइड का ब्रेकआउट होगा तो वहां पर आप समझ सकते हो यहाँ पर हमारे जो बायर्स हैं वो हैवी हैं, और यहाँ पर जो है आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो परफेक्ट रिटेस्ट के बाद। फिर यहाँ पर आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और अगर आप बिना रिटेस्ट की एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पर मार्केट अप गया, समझ लीजिए यहाँ पर मार्केट अप गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स नीचे लेके आए, फिर यहाँ पर क्या लिया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके गए। जैसे इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको रिट्रेस होने देना है, उसके बाद एंट्री करनी है। जो हमारी डाउन ट्रेंड डाउन साइड ट्रेंड लाइन रहेगी, जिस तरह से जो हमारा फॉलिंग वेज बन रहा होगा उसका, जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा रिट्रेस होगा उसी लाइन पर वापस आपको एंट्री करनी है अपसाइड के लिए, तब आप यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आप बिना रिटेस्ट के एंट्री करोगे आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने के चांसेस हो जाएंगे ज्यादा। तो आई होप आपको जो हमारा फॉलिंग वेज है और जो हमारा राइजिंग वेज है समझ में आ गया होगा, मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं और आप अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न के बारे में जितना भी मुझे आता था और जितना मैंने सीखा था वो मैंने इस एपिसोड में कवर कर दिया है। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है गाइस, ये आप भी जानते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।